नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु से। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरह से झामुमो के प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी भी, तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने जिस तरह से आसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो को पॉलिटिकल पैराशूट की संज्ञा दी कि दूसरे के भरोसे जो है राजनीति में बने रहना और सत्ता की महत्वाकांक्षा करना और तमाम तरह के आरोप पे उन पर लगाए, और ऐसा लग रहा कि जिस तरह से युवाओं के जो है वो संग्रह कर रहे हैं, युवाओं के नाम और बेरोजगारी और बेकारी को लेकर जिस तरह से डेटा संग्रह कर रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार से श्वेत पत्र देने की मांग कर रहे हैं, जो पिछली सरकार बनने के दौरान जिस तरह से मैंने घोषणा की गई थी और घोषणा पत्र में कहा गया था कि 5 लाख के युवाओं को नौकरी देंगे और तमाम तरह की बातें जो घोषणा पत्र में कही और रखी गई थी, तो उन बातों को लेकर चुनाव का समय है तो सुदेश महतो काफी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी करें नौकरियों के मामले में कि अभी तक 5 साल में सरकार ने कितनी नौकरी दी है। क्या इससे जो है वो झामुमो के नेता थोड़ा अधिक बौखला गए हैं, या दूसरी बात जिस तरह से आप उनको कह रहे हैं कि आप 53 सीट पर लड़ते हैं और 2 सीटें आपको आती है, तो आप दूसरे के भरोसे आप राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ सत्ता सुख, तो ये आपको लगता है कि थोड़ा हार्श ज्यादा हो गया सुदेश महतो के लिए? देखिए कहे ना कि दूसरे पर जब उंगली उठाइए ना तो अपना दामन भी देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे झामे जेएमएम को प्रवक्ता होते हैं, हम सुदेश महतो की बात नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं, तटस्थ रूप से अगर जोड़िएगा तो जेएमएम सत्ता में रही या बाहर रही और उसका हिसाब लिया जाएगा दिया जाएगा, वो तो बात ही अलग है। जरा अपनी पार्टी का इतिहास भी पलट के देख लेना चाहिए कि पार्टी का अगर गौरवपूर्ण इतिहास रहा है तो उस पार्टी ने भारतीय राजनीति के दामन पर भी ऐसे दाग लगाए हैं, ठीक है ना। और वो जो दाग है वो बहुत आसानी से धुलने वाला दाग नहीं है, क्योंकि राजनीति के हमाम में तमाम लोग नंगे हैं तो एक दूसरे का नंगापन तो दिखता है, ठीक है ना, लेकिन उनको शर्म नहीं आता है। और एक दूसरे का नंगापन जनता को दिखा के लगता है वो नंगा है हम नंगा नहीं है, वो नंगा एक दूसरे को नंगा जो होता है ना कहना, तो वो जो बातें हो रही है आज की तारीख में उसी कांग्रेस पार्टी के साथ झारखंड की सत्ता में जेएमएम है, जिस कांग्रेस पार्टी के हाथों बिक गए थे झारखंड के 6 जेएमएम के 6 सांसद, ठीक है ना। उसमें शिबू सोरेन भी थे, सूरज मंडल भी थे, शैलेंद्र महतो थे। अब कहिएगा कि ठीक है सब लोग निकल गए, बेदाग हो गए, बरी हो गए, तो ठीक है प्रक्रिया चलती है। तो आज के तारीख में राजनीति में अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि सुदेश महतो, आप अपनी हैसियत भी कम से कम देखिए। सुदेश महतो ने हैसियत रखी है ना राजनीति में कि तोड़ मोड़ करके, जोड़ तोड़ करके, कुछ भी करके विधायक मंत्री महत्वपूर्ण पदों पर रहा है। आप अगर एक प्रवक्ता बने हुए हैं किसी पार्टी के, जो झारखंड नामधारी पार्टी है, जो जल जंगल जमीन की बात करती है, जो 32 के खतियान की बात करती है, झामुमो करती है ना, भले उस सत्ता में आए तो रख दो प्रयास किया किनारे कर दो, हम राजनीति की बातें नहीं करें। जो उठा रहा है, जो मुद्दे उठाते रहे हैं, आप कौन है? 4 अंगुली तो विपक्ष आप पर उठाता है ना कि भैया आप कौन लोग हैं झारखंड के, आप कौन भूमि पुत्र, कौन खतियानी, कहाँ के हैं, क्या है। तो इस तरीके से जो बातें होती है तो भैया जानते हो तो कुछ बात जो है जो पर्दे में है तो उसको पर्दे में रहने दो, नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप दूसरे को बेपर्दा करने के चक्कर में खुद भी बेपर्दा ना होइए। तो आप पैराशूट से करें कि गठबंधन की राजनीति है पूरे देश में जब चल रहा है। जो आदमी स्पष्ट बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता में रहा, दो दो बार अपने बूते सत्ता में रहा, उस सत्ता में बने रहने के बाद भी वो गठबंधन के लोगों को साथ रखा, तो एक दूरगामी सोच तो कहीं ना कहीं होगी या कुछ संदेश देने का मतलब होगा। तो जहां गठबंधन आज वक्त की जरूरत हो गई है, आप भी वही कर रहे हैं। आप उनको पैराशूट किस हिसाब से आप समझा रहे हैं? यही ना कि अपनी ताकत नहीं है, ठीक है ना, अपने पंख से वो नहीं उड़ सकते। तो ये तो कहने के बाद आपका भी भाजपा से तालमेल है भैया, आप भी भाजपा के साथ सत्ता में रहे हैं। और झारखंड का जब गठन ही हुआ था
ये अलग बात है कि किन शर्तों पर हुआ था, कैसे किन राजनीतिक दलों ने आपस में समझौता किया था, और उस समझौते में जेएमएम ने क्या समझौता किया था भाजपा के साथ। अब इतिहास को तो पलटना नहीं चाहिए ना, तो छोड़ दीजिए, जो है वर्तमान लड़िए। अगर वो कह रहे हैं कि आपने जो है आप श्वेत पत्र जारी करिए, स्वाभाविक है, राजनीति में क्या होता है भाई, आप आते हैं जनता से बातें करते हैं, दूसरे विरोधियों की कमजोरियों को बताते हैं, अपना सबल पक्ष रखते हैं, एक उम्मीद जगाते हैं, वोटर तय करता है, वोट देता है। तो आपने जो जो नाकामियां गिनाई थी रघुवर सरकार की या बीजेपी सरकार की, जिस सरकार में क्या बोलते हैं सुदेश महतो भी शामिल थे, तो उस सरकार की नाकामियां जो आपने गिनाई, तो जनता को लगा कि नहीं भाई बात तो सही है, तो बात सही है, तो आप सत्ता में आ गए, तो आपने जो बात किए थे पूरा करेंगे ना, कि आप भी कहेंगे कि भाजपा ने भी कहा कर दिया था तो हम भी नहीं किए, तो ये कहिए, यही बात कह दीजिए। तो श्वेत पत्र अगर आपने कुछ किया है तो अपना चार काम गिनाइए ना, गिनाने में क्या दिक्कत है। तो आपकी काम जो है आज के तारीख में वो सब पार्टी करती है, भाजपा भी कर रही है जहां अपने शासन में है, या शासन में नहीं है, झारखंड में तो शासन में नहीं है, तो अभी मोदी जी आ रहे हैं ना, वंदे भारत ट्रेन चलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त मिल जाएगी, विभिन्न बातें हो जाएंगी, तरह तरह की घोषणाएं होंगी, वो कर रहे हैं, वो केंद्र में है तो अपने उनके ही माने औकात में है, वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, चुनाव सिर पर है तो मैया योजना का 1,000 रुपया बांट रहे हैं। अरे भाई आप शुरू में बांट देते ना तो कहे ना कि दोनों तो वही है, तो फिर क्या बातें हैं। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए राजनीति में, इससे कटुता बढ़ती है, और कौन कहाँ उड़ के कब बैठ जाए भैया, है ना। तो वही कहे कि जहाँ खुद 10 उंगली उठने की उम्मीद हो और द्वार खुले हो संभावनाओं की, वहां सवाल ना उठाइए। आप भी उसी तरीके से जनता को बेवकूफ बना रहे, सुदेश महतो भी बेवकूफ बना रहे, एक हम तथ्य रूप में कह रहे हैं, हम विश्लेषक के रूप में, कि सबने छला है 24 साल के झारखंड को, किस किसने नहीं छला, तो छला तो अब बात यह हो कि अब की बार न छलोगे, कौन न छलेगा। और इसको आप इस रूप में भी देखिए कि एक तरफ भाजपा के नेता जो है वो चाहे आपके अनुसार कि वे अंदर खाने राज्य स्तरीय कई तरह की मीटिंग जयराम महतो की टीम के साथ हुई है, और उसमें तो जो चुनाव सह प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी ने तो खुद जो है चाय पर ऑफर दे दिया है, और यही सुप्रियो भट्टाचार्य जयराम महतो को लेकर कहते हैं कि वो भी राजनीति में वो भी चल रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं, भविष्य में अगर कभी ऐसा मौका मिलता है तो संभव है कि हम लोग उस सफर में साथ हों। मैंने राजनीति में अगर तो सभी दोस्त होते हैं तो उस तरह तो जयराम महतो के प्रति भाजपा की भी नरमी दिख रही है और इधर झामुमो की भी नरमी दिख रही है। जी अरे तो यही ना आज की राजनीति की हकीकत है। हम क्या कहे कि सत्ता पाना है, चाहे वो जैसे पाले, किसको साथ ले लें कोई दिक्कत नहीं है, रात में उसके साथ हो सवेरे उसके साथ। राजनीति को लेकर के जो जो बातें कभी कही होंगी और विद्वानों ने लेखकों ने कही है, वो तमाम जो किताबी बातें थी, तो कहता ना कि साहित्य रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई बातें कहता है तो कहीं ना कहीं कुछ आधार और कभी ना कभी हकीकत का रूप लेता है, तो ले रहा है। अब जैसे आज ही हम कहीं कुछ सवेरे उठ के ऐसी चाय पी रहे थे तो पढ़ते उड़ते हैं, तो उसमें पढ़ रहे थे कि आज जो बातें हो रही है, जो जाति गिनती की बातें हो रही है और जो सब बातें हो रही है, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने कभी अपने महिला चरण में इस बात का जिक्र किया था, कहीं नजर गई कि भाई सब अपने अपने लोग गिन रहे हैं, नहीं समझे। तो जो है तो कब कही जाती है बातें, किस रूप में कही जाती है, कब आके वो साकार होती है और माने सरकार रूप में दिखती है, तो राजनीति है। और यहाँ तो जयराम महतो से तो बात आप लीजिएगा, छोड़िए जयराम महतो के लिए सकारात्मक नकारात्मक आप बातें जो कह रहे हैं, आप जिस सुदेश महतो के लिए कह रहे हैं भैया, उसी सुदेश महतो के साथ ना आपका, आपका भी सुधीर महतो डिप्टी सीएम था, वही सुदेश महतो डिप्टी सीएम था, वही बीजेपी का मुख्यमंत्री था, तो आप तो साथ में रहे हुए हैं बीजेपी के और जेएमएम के, सरकार चलाए हुए हैं, और आप भी आप देख रहे हैं, अगर हेमंत भी शर्मा कह रहे हैं और भाजपा उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, तो उसको कहीं लग रहा है कि अरे स्थिति ऐसा भी हो सकता है कि उस आदमी की जरूरत पड़ जाए हमको, और आप भी कह रहे हैं कि राजनीति में भाई, तो राजनीति में संभावना के द्वार जब खुले हैं तो
तो बस दुश्मनी उतने करिए कि फिर दोस्ती की गुंजाइश भी रहे, पलट के कभी मिलिए तो फिर उतनी कटुता न रहे कि फिर नजर न मिला पाइए, क्योंकि आप बस एक ही बाजार के हैं, बाजार में हैं आप जी। एक यह है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लोग हार्ड हो रहे हैं सुदेश महतो के प्रति, उसी तरह से जो है वो जयराम महतो के प्रति लोग सॉफ्ट कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं क्या? ये ऐसा कोई आभास लोगों को मिल रहा है कि भविष्य की राजनीति में थोड़ा सा अप्रसांगी को होते हुए दिख रहे हैं सुदेश महतो, और कहीं ना कहीं अपने दायरे में एक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जयराम महतो? देखिए दिक्कत दिक्कत क्या हो रही है ना, कि तमाम जो तथा कथित मुखधारा की पार्टियां हैं उनके साथ विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट है, समझे ना। वो झारखंड के स्तर पर ही नहीं है, पूरे देश के स्तर पर है, बहुत गड़मड़ स्थिति है। आज के तारीख में देखिए कि उसी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है ना। इंडिया है, इंडिया है, सब मिलकर के वो विपक्ष का नेता भी है और तमाम बातें हो रही है, लेकिन आप देखिएगा कि इस तरीके से एक दूसरे से स्वार्थ का संबंध है। माने हम इंडिया आएंगे दूसरे पर भी, माने वही अभी चूंकि इंडिया का कवर है। आप देखिए कि मायावती बंगाल में अलग हो जाती है, फिर भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। केजरीवाल दिल्ली में दोस्ती कर लेते हैं, पंजाब में नहीं करते हैं, हरियाणा में नहीं कर रहे हैं अभी आज के तारीख में, उसको लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही है। वहां भी छोड़ दीजिए, जो भी क्षेत्रीय दलों का उदय वो कांग्रेस की लाश पर समझिए हुआ, सीधे तौर पर कांग्रेस गर्त में गई, उनका अभ्युदय हुआ, उनके खिलाफ हुआ। वो बिहार में लालू जी हो कि नीतीश जी, भी उसी के कर ही रहे हैं, बाद में अपना रास्ता बदल गए। यूपी में मुलायम हो या जो भी हो, केजरीवाल को ही, केजरीवाल का उदय किसके खिलाफ हुआ, कांग्रेस के खिलाफ हुआ, तमाम बातें हो गई। फिर भी सब एक दूसरे से जुड़े भी हैं, नहीं भी जुड़े हैं, तो विश्वसनीयता का जो संकट हो रहा है वो भाजपा के साथ भी है। वो भी कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, किसके साथ रहेगी, किसको मार के खा जाएगी, किसको क्या कर देगी, तो हो रहा है। और सत्ता में चूंकि आप हैं, तो आप जो वादे कर रहे हैं, आपके वादे पर एतवार नहीं हो रहा, ठीक है ना। वो नरेंद्र मोदी अगर आज के तारीख में आकर ट्रेन चला रहे चलाएंगे, तो उनसे पहले लोगों में यह सवाल हो रहा है कि भैया इसी झारखंड में, और जिस कोल्हान की धरती से आप ट्रेन की सौगात देंगे, उसी कोल्हान, वही कोल्हान की धरती जो कोरोना के समय लोकल ट्रेन बंद हो गया, ठीक है ना, उसको आज तक शुरू करवाने के लिए संघर्ष हो रहा है और नहीं चालू हुआ। वही लंबी दूरी की ट्रेनें जो कोल्हान के विभिन्न स्टेशनों पर जरूरत के हिसाब से रोकी जाती थी, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है तो लेबर क्लास के लोग आते हैं, इधर उधर नहीं होता है लोकल लोकल ट्रेन में चलो, वो नहीं चला। लेकिन आप वंदे भारत चला रहे हैं, वो वंदे भारत कहाँ कहाँ रुकेगी, झारखंड के किन स्टेशनों पर, उस पर कौन कहाँ सफर करने वाले, तो लोगों को बातें समझ में आती है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी उलिहातू की धरती पर आए थे बिरसा मुंडा के समय, उन्होंने आदिवासियों के लिए, सिर्फ झारखंड के आदिवासियों के लिए नहीं, पूरे देश के आदिम जनजाति आदिवासियों के लिए घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं का क्या हुआ और उन घोषणाओं पर कितना एतवार हुआ, और खास के झारखंड में प्रभाव देखेंगे तो एक भी आदिवासी सीटें तो नहीं जीती भाजपा। तो यही विश्वसनीयता का संकट है, क्योंकि पिछले दौर में जो हुआ है, आप कह रहे विश्वास नहीं हो रहा, आज भी आएंगे क्या होगा, नहीं कह रहे हैं हम कोई मालिक नहीं है, वोटर का आत्मा तो हम भीतर से नहीं, भैया किसी का कोई देख क्या है, लेकिन वही विश्वसनीयता का संकट है। और उस विश्वसनीयता के संकट में सभी रक्षात्मक मुद्रा में है, वो चाहे सुदेश महतो हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, जो भी बातें हो। और जयराम महतो चूंकि वहां तो कोई दाग नहीं ना है भैया, अभी नहीं समझे, तो वहां है कि लग रहा है, लोगों को भी लग रहा है, और लोग को जो लग रहा है उससे ज्यादा इन दलों को लग रहा है कि हमारी जो स्थिति है उससे बहुत सहज स्थिति और विश्वसनीय स्थिति उस संगठन की है, उसके नेता की है। तो हो सकता है कि जो सफलता का उनका प्रतिशत वो हमारी जो मेहनत हो रही है, और हम बड़ी पार्टी है, ठीक है, बहुत लड़ेंगे, सब कुछ होगा, क्या होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन उनकी सफलता को नकारा नहीं जा सकता है। और जो चुनाव बाद जो परिस्थितियां बनेगी उसमें उनकी जरूरत
हो सकती है, तो उस हिसाब से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, तो वह बातें हैं। जी बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी जी नमस्कार।